हेलो एवरीवन हाउ आर यू वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल सेंट रेजिडेंशियल स्कूल आई एम अनुराग गिरी टुडे आई विल टीच यू जेंडर इन ग्रामर लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट डिले देखिए फर्स्ट हमारा फर्स्ट लाइन क्या है जेंडर जिसे हम लोग क्या कहते हैं जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जेंडर क्या है जेंडर को हिंदी में क्या कहते है? हैं।, हैं।, हैं लिंग कहते हैं जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं लिंग कहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस पहले लुक एट द सेंटेंस केयरफुली आपको यह सेंटेंस देखना और पढ़ना है तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कुलदीप हज नो अंकल ठीक है कुलदीप हज नो अंकल कुलदीप के अंकल नहीं है द लाइन लिव्स इन द फॉरेस्ट द लाइन लिव्स इन द फॉरेस्ट शेर कहाँ रहता है जंगल में शेर जंगल में रहता है ही पास्ट इन द फर्स्ट डिवीज़न ही पास्ट इन द फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हिज वर्क वाज टू डिस्ट्रीब्यूट फूड उसका काम क्या है खाना बांटना उसका काम खाना बांटना है देखिए इन सेंटेंस द वर्ड कुलदीप अंकल एंड लायन ये जो सेंटेंस था आपका ये सब जो सेंटेंस था इसमें क्या है कुलदीप अंकल एंड लायन क्या है ऑल नॉन्स है इंडिकेट मेल पर्सन और एनिमल इंड क्या इंडिकेट करता है मेल पर्सन मेल पर्सन इंडिकेट करता है ठीक है और मेल और फीमेल के बारे में तो आपको जानते ही होंगे देखिए आपका नेक्स्ट लाइन है सिमिलरली दर्ड ही एंड ही बोथ पुर ठीक है ये दोनों क्या प्रोनॉन है इंडिकेट मेल पर्सन ईफिन क्या करता है ये इंडिकेट पर्सन इंडिकेट, इंडिकेट करता है मेल पर्सन इंडिकेट करता है सो दिज वर्ड्स आर सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर सो दिज वर्ड इसलिए यह वर्ड क्या कहलाएगा मैस्कुलिन जेंडर ठीक है देखिए हमारा नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे द वर्ड नॉन और पोनॉन विच रिफर्स टू अ मेल पर्सन और एनिमल जो वर्ड रिफर्स क्या करता है मेल और पर्सन मेल पर्सन और एनिमल को के बता मेल को बताता है उसको क्या कहते है, हैं हम जेंडर कहते हैं सिर्फ मेल के ही बारे में बताया जाता है ठीक है उसमें उसमें फीमेल के बारे में नहीं बताया जाता सिर्फ मेल के ही बारे में बताया जाता है उसमें क्या कहते है? हैं हम जेंडर कहते हैं देखिए हमारा नेक्स्ट है लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली तो ये सेंटेंस भी आपको पढ़ना है ठीक है तो देखिए द नेम ऑफ द गर्ल इज अंजलि लड़की का नाम क्या है अंजलि है लड़की का नाम अंजलि है द लाइनस अट्रैक्ट द का द लाइनेस अट्रैक्ट द का सर् ने गाय पर हमला किया सी इज रीडिंग अ बुक सी इज रीडिंग अ बुक वह किताब पढ़ रही है हर मदर इज़ अ टीचर हर मदर इज अ टीचर उसकी माँ एक टीचर है ठीक है शिक्षक है देखिए यहाँ पे इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स गर्ल अंजलि लाइनेस का एंड मदर ऑल नॉन्स ये सब ऑल नॉन्स हैं इंडिकेट बट क्या इंडिकेट करता है ये फीमेल पर्सन और एनिमल फीमेल पर्सन और एनिमल को इंडिकेट करता है देखिए गर्ल है ये भी फीमेल है अंजलि क्या है हाँ लड़की का नाम है ये भी फीमेल है लाइनेस क्या है हाँ सीयर नहीं ये भी फीमेल है कॉ क्या है ये भी फीमेल है मदर फीमेल है ठीक है देखिए सिमिलरली द दर्ड सी एंड हर सी एंड हर क्या है बोथ ये दोनों क्या है दोनों दु, दु, प्रोनाउन है और ये क्या इंडिकेट करता है फीमेल पर्सन इंडिकेट करता है सो दीज वर्ड्स सेट टू बी फीमेल फेमिल इंजेंडर सो यह वर्ड क्या कहलाता है फेमिली जेंडर कहलाता है ठीक है तो देखिए हमारा नेक्स्ट लाइन है आपका द वर्ड नॉन और पर नॉन डैट रिफर्स टू अ फीमेल पर्सन और एनिमल द वर्ड जो है फीमेल पर्सन और एनिमल के बारे में बताता है उसे हम लोग क्या कहेंगे फैमिली इंजेनर कहेंगे ठीक है तो देखिए हम लोग फैमिली इंजेनर को हिंदी में स्टेरलिंग कहते हैं स्टेरलिंग कहते हैं और, और मोस्किल इंजेनर को हिंदी में क्या कहते हैं को हिंदी में क्या कहते हैं पुलिंग कहते हैं ठीक है पुलिंग कहते हैं ठीक है देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे भी हमारा लुक एट दी सेंटेंस केयरफुल ये भी सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है द पेन इज इन द बैग बैग में क्या है पेन है पेन जो है बैग में है निशांत कट द ब्रेड विथ अ नाइफ निशान जो ब्रेड को कैची से काटता है रोटी को नाइफ से काटता है ब्रेड को नाइफ से काट चाकू से काटता है स्नेहा वाइज प्लेइंग विथ अ बॉल स्नेहा वाइज प्लेइंग विथ अ बॉल स्नेहा बॉल से खेल रही थी द बॉक्स इज ओल्ड बॉक्स इज ओल्ड जो डब्बा है वो पुराना है देखिए ये सब वर्ड है ये सब पढ़िएगा तो देखिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स पेन बैग ब्रेड नाइफ बॉल बॉक्स मार्केट डॉल देली एंड बुक आर नॉन्स और क्या है ये सर नॉन्स हैं ठीक है इट रिफर्स टू लाइफलेस इट रिफर्स टू लाइफलेस सब्जेक्ट लेकिन इसमें क्या जान इसमें नहीं होता लाइफलेस जिसमें जीवन नहीं हो ठीक है इसमें कोई जान नहीं हो ठीक है दीज वर्ड्स आर सेट टू बी ऑफ न्यूट्रेजेंडर ऐसा वर्ड क्या कहलाते हैं हमारे न्यूट्रोजेंडर कहलाते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे आपका एक लाइन है द वर्ड नॉन डेक्ट रिफर्स टू अ लाइफलेस सब्जेक्ट जो वर्ड जो है जो नॉन जो है लाइफलेस सब्जेक्ट के बारे में बताता है जिसमें जीवन नहीं रहता है जिसमें जीवन नहीं रहता उसे क्या कहते हैं न्यूट्रोजन जैसे आप बेंच देख लीजिए कॉपी हो गया ब्रेड बिस्किट टेबल चेयर ये सब क्या है आपका लाइफलेस सब्जेक्ट है इसमें कोई जान नहीं होता है देखिए हमारा नेक्स्ट है तो देखिए हम लोग न्यूट्रल जेंडर को क्या कहते हैं हिंदी में न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में कहते हैं नपुंसक नपुंसक लिंग ठीक है देखिए चलता है हमें नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे भी है यहाँ एट दिस सेंटेंस केयरफुली ये भी सेंटेंस हमको केयरफुली पढ़ना है मोहित इज एन इंजीनियर मोहित क्या है इंजीनियर है द कुक इज प्रिपेयरिंग फूड जो कुक है फूड खाना बना रहा है इज फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट उसका दोस्त बहुत तेज है टीचर इज टीचिंग दूडेंट टीचर शिक्षक हैं स्टूडेंट को छात्र को पढ़ा रहे हैं टीचर छात्र को पढ़ा रहे हैं ठीक है देखिए ये सब जो सेंटेंस आप पढ़िएगा ठीक है देखिए चलते हैं मैं नेक्स्ट चलता हूँ देखिए यहाँ पे है आपका इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स इंजीनियर कुक फ्रेंड टीचर स्टूडेंट कजिन एंड डॉक्टर ऑल से ये जो है क्या है ये सब आपको नॉन्स है रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल जो कि मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताता है रिजवर्ट्स आर सेट टू बी कॉमन जेंडर ये सब वर्ड क्या कहलाते हैं कॉमन जेंडर कहलाते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कॉमन जेंडर कहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द वर्ड दैट रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल पर्सन जो वर्ड मेल और फीमेल दोनों दोनों के बारे में बताता हूँ उसे क्या कहते हैं कॉमन कॉमजीडर कहते हैं ठीक है देखिए हाउ टू फॉर्म यहाँ पे नेक्स्ट आया है आपका हाउ टू फॉर्म फैमिली नॉन फैमिली ऑफ नॉन एंड पुरॉन नॉन और प्रोनॉन का फैमिली कैसे बनाते हैं ठीक है देखिए आपका रूल फर्स्ट है सैम मैस्कुलिन नॉन आर मेड फैमिली इन बाई न्यू वर्ड सैम जो मैस्कुलिन वर्ड से फैमिली नॉन बनाया जाता है तो देखिए मैं बताता हूँ देखिए एक तरफ आपका मैस्कुलिन है एक तरफ फैमिलीन है देखिए बैचलर का क्या, क्या होगा मैस्कुल ये तो बैचलर जो आपका मैस्कुलिन है बैचलर का फैमिली क्या होता है मेड होता है बॉय का बॉय जो है आपका मैस्कुलिन है ये बॉय का गर्ल होता है ठीक है देखिए आपका नेक्स्ट है ब्रदर ब्रदर का सिस्टर बुल का कॉ कॉक का डॉग का बीच ड्रेक का डक ड्यूक का डचेस अर्ल का कॉन्टेस डियर का डोई हॉर्सेस हॉर्स का मेयर किंग का क्यून ट का लाइस लॉर्ड का लेडी होता है मैन का ओमेन होता है मोंग का नान होता है नेफ्यू का नाइस होता है मंक में साधु होता है पापा का मम्मी सन का डॉटर सर का मैडम विचार्ड का विच हस्बैंड का वाइफ होता है आप लोग तो जानते ही होंगे आपने फिर क्लास थ्री में भी पढ़ा होगा ये देखिए रूल टू आपका है सम मैस्कुलिन नॉन आर मेड फैमिन बाई एडिंग ई ड जो कुछ मैस्कुलिन वर्ड में क्या जोड़ा जाता है फैमिलिन बनाने के लिए ई डब्ल्यू एस जोड़ा जाता है तो देखिए मैं कुछ बताता हूँ देखिए कुछ वर्ड है आपका दिया हुआ देखिए एक तरफ मैस्कुलिन है एक तरफ फैमिलीन है देखिए ऑथर है ऑथर का क्या है ऑथरेस्ट इसमें ई डब्ल्यू एस जुट गया है कौन का कॉन्टेस्ट जेंट का जेंटेस प्रिंस का प्रिंसेस मेयर का मेयरस पोइट का पोइटेस का प्रिंस हायर का हायरस जियो जीव का जीविस गॉड गौड़ का गॉडेस लाइन का लाइनेस होता है सिफर्ट का सिफर्डेस विस्कॉन्ट का विस्कॉन्टेस पैट्रोन का पैट्रोनिस, ये सब क्या है इस वर्ड में ई डबल जो लग गया है ठीक है देखिए रूल आपका थर्ड है सम एस्कुलिन नन आर मेड फैमिलिन एडिंग ई डबल एस आफ्टर ओमिटिंग द लास्ट वॉयल यूज इन द वर्ड देखिए कुछ मैस्कुलिन वर्ड में क्या होता है ई एस जोड़ के लेकिन ई एस कहाँ जोड़ा जाता है वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है ठीक तो है देखिए देखिएस आफ्टर ओ मीटिंग द लास्ट वॉयल इन द वर्ड देखिए देखिए लास्ट वॉयल इन द वर्ड तो देखिए यहाँ पे लास्ट वॉयल क्या है एक्टर है देखिए यहाँ पे है एक्टर तो एक्ट, एक्टर का क्या हो गया एक्ट्रेस हो गया कंडक्टर का कंडक्ट्रेस इम्पेरियर का इम्पेरियस हंटर का हंट्रेस इंस्ट्रक्टर Instructor का इंस्ट्रक्ट्रेस मास्टर का मिस्ट्रेस नेगरो का नेगरेस इंस्पेक्टर inspector का इंस्पेक्ट्रेस डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस टाइगर का टाइगरेस वेटर का वेटरेस गवर्नर का गवर्नेस देखिए रूल फोर है आपका सम स्कूलिंग कंपाउंड नॉन और मेड फैमिली बाय रिप्लेसिंग वर्ड बिफोर और आफ्टर देखिए कुछ स्कूलिंग से फैमिली कैसे बनाया जाता है उसके पहले कुछ कुछ रिप्लेस करके या फिर बाद में कुछ रिप्लेस करके तो देखिए देखिए यहाँ पर बड़े बुल्क का कॉक आल्फ हो गया यहाँ क्या किया कि गया पहले रिप्लेस किया गया है कॉक एस्पेरो का हिन स्पेरो पहले क्या क्या गया है रिप्लेस किया गया है ही गोड का सी गोड ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर देखिए यहाँ पे बाद में रिप्लेस किया गया है जेंटलमैन का जेंटल वमेन स्टेपन का स्टेप डॉटर लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी देखिए यहाँ पे भी बाद में रिप्लेस तो किया गया है मिल्क मैन का मिल्क मेड पीकॉक कोक का पीहेन वॉशर मैन का वाशर ओमैन फिशरमैन का फिशर ओमैन स्टेप फादर का स्टेप मदर ठीक है तो देखिए यहाँ पे आपका है मेक फैमिली ऑफ द फ्लोइंग मेस्कुल नॉन आपके फैमिलीन बनाना है मॉन्ग का क्या होता है ना, नाना आपने पढ़ा था ऊपर ऊपर में सारा कुछ लिखा हुआ है टाइगर का टाइग्रेस होता है ठीक है सिपट का शिफ्ट रेस होता है इसमें ई डब्ल्यू एस जुटेगा ठीक है ऑथर का ऑथ होता है इसमें भी ई डब्ल्यू एस जुटेगा हॉस्ट host का हॉस्टेस होता है इसमें भी ई डब्ल एच जुटेगा ठीक है इस तरह आप लोग सब बना लीजिएगा आपके बुक में सारा ये दिया हुआ है तो देखिए नेक्स्ट हमारा नेक मैस्कुलिन ऑफ द फ्लोइंग फैमिली नॉन फैमिली नॉन तो देखिए आपका ये फैमिली दिया हुआ है आपको क्या बनाना है मैस्कुलिन बनाना है तो ले, लेडी का क्या होता है लॉर्ड होता है डोए का क्या होता है डियर होता है डॉय का डियर होता है नेगरेस का क्या होता है नेगरो होता है ठीक है ये सब आपका बुक में दिया हुआ है ये सब आप लोग खुद से बनाइएगा और ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा ठीक है देखिए आपका नेक्स्ट है राइट फैमिली न्यूटर और कॉमन जेंडर इसमें क्या लिखना है आपको कौन मैस्कुलिन जेंडर है कौन फैमिली जेंडर है कौन न्यूटर है और कौन कॉमन जेंडर बिफोर ईच ऑफ द ये सब जो आपको दिया हुआ है ये सब इसमें आपको चूज करना है चुनना है कि कौन मैस्कुलिन जेंडर है कौन फैमिली जेंडर है कौन न्यूट्रल जेंडर है और कौन कॉमन जेंडर है ठीक है आप लोग चुन लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है मैस्कुलिन फैमिली न्यूट्रल और कॉमन जेंडर बिफोर ईच नॉन गिवन एन जो नॉन दिया हुआ आपका इसमें इसमें से आपको बताना है कौन कॉमन जेंडर है कौन न्यूट्रल जेंडर है कौन फैमिली मैस्कुल जेंडर कौन फैमिली जेंडर है इसमें आपको चुनना है ठीक है आप लोग चुन चुन के जो फैमिली जेंडर होगा फैमिली जैसे ये बोल आपका मैस्कुल तो मैस्कुल बोल के सामने मैस्कुल जेंडर लिख दीजिएगा ठीक है मेल मिलकॉमेन क्या है मेल कॉमन क्या फैमिली है तो इसके सामने फैमिली लिख दीजिएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर हमारा है डी नंबर में रिराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ नॉन और प्रोनाउन ये सेंटेंस को हमें रीराइट करना है और नॉन और पोनौन का हमें जेंडर चेंज करना आंटी का होता है अंकल तो यहाँ पे हो जाएगा अंकल एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका हर की जगह हीज देखिए कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको देखिए माय आंटी हैज कम विथ हर सन यहाँ पे आपको क्या करना है नॉन नॉन आपका क्या है आंटी हो गया अब नॉन क्या हो गया हर हो गया ठीक है देखिए आंटी का हमें क्या करना है चेंज करना है जेंडर ये नॉन का जेंडर चेंज करना देखिए नॉन का जेंडर चेंज करना है आंटी का क्या होगा अंकल हो, हो जाएगा और यहाँ पे प्रण का प्रण क्या है हर हर की जगह पे क्या होगा हीज हो जाएगा उसके बाद ये, ये सेंटेंस फिर दोबारा लिखिएगा कॉपी में ठीक है आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुकी है अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू